मित्रों, सपने मन की एक विशेष अवस्था होती है जिससे वास्तविकता का आरंभ होता है। आप सभी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के सपने देखे होंगे जिनका सपन शास्त्र के अनुसार अपना एक अलग ही महत्व होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि शुभ संकेत देते हैं, वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अशुभ घटना का संकेत देते हैं। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से ऐसे ही 5 प्रकार के सपनों के बारे में जानेंगे जिनको देखने के पश्चात व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। पहला, जैसे सपने में सांप देखना। दूसरा, सपने में संभोग करना। तीसरा, सपने में ईश्वर का दर्शन होना। चौथा, सपने में ऊंचाई से गिरना। और पांचवा, सपने में किसी की मृत्यु देखना। सपन शास्त्र में इन सभी सपनों का विशेष महत्व होता है। आपने अपने जीवन काल में इन सपनों को कभी ना कभी तो देखा होगा। तो आइए जानते हैं इन सपनों को देखने से व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला, सपने में सांप देखना। सपन शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति सपने में सांप देखता है तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति जल्द ही भविष्य में समस्याओं से घिरने वाला है। लेकिन अगर व्यक्ति को सपने में सांप दिखता है तो यह इस बात की ओर संकेत देता है कि व्यक्ति को जल्द ही गंभीर रोग होने वाला है या किसी प्रकार का संकट आने वाला है। दूसरा, इसी प्रकार यदि पति पत्नी अपने सपने में संभोग करते हैं तो इसका अर्थ यह बताया गया है पति पत्नी का जीवन काफी अच्छा चल रहा है। तीसरा, अगर व्यक्ति सपने में ईश्वर को देखता है तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर व्यक्ति को भक्ति की राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आज की भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करना भूल जाता है और गलत राह पर चलने लगता है। चौथा, इसी प्रकार यदि व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है तो सपन शास्त्र के अनुसार यह अच्छा नहीं माना जाता है। इससे जल्द ही व्यक्ति को हानि का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में यदि व्यक्ति किसी की मृत्यु देखता है तो सपन शास्त्र के अनुसार यह व्यक्ति को दुख पश्चाताप की भावना व्यक्त करता है। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, सपन शास्त्र के अनुसार इन 5 सपनों का अर्थ आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपको हमको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।